गुलबर्गा शहर के अरफात कॉलोनी में मौजूद फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से 11 नवंबर एजुकेशन डे के मौके पर घर घर तालीम पहुंचाने के गर्ज से एक बेहतरीन रैली निकाली गई थी। फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है और इस स्कूल मैनेजमेंट का ये मोटिव है कि वो अपने स्कूल के जरिए आसपास के इलाकों में घर घर तालीम पहुंचाना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत एजुकेशन डे के मौके पर हर साल 11 नवंबर को रैली की शक्ल में अवेयरनेस कैंपेन किया जाता है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स भी यहां हिस्सा लिए थे। अगर आप भी अरफात कॉलोनी के आसपास रहते हैं तो ज़रूर अपने बच्चों का एडमिशन फजलिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराएं। यहां दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम सब यहाँ नेशनल एजुकेशन डे मनाने के लिए जमा हुए हैं। नेशनल एजुकेशन डे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो भारत के पहले एजुकेशन वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मंसूब है। ये दिन मनाने का मकसद स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और तालीम इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और तालीम की अहमियत और तालीम के हकूक़ पर बेदार करना है। माई सेल्फ नजाफशिन फ्राम 7th स्टैंडर्ड। वी ऑल आर स्टूडेंट ऑफ फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट एजुकेशन डे। एजुकेशन प्लेज कीज रूल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एजुकेशन कैन एम्पावर इंडिविजुअल इन वायरस वेज। इट हेल्प्स इन एराडिकेटिंग पॉवर्टी एज इट मेक्स एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ गेटिंग ए जॉब एंड फुलफिलिंग। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಹಾನ್, ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಗುವಿನ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸವನ್ನುಂಟು. आज हम शिक्षा दिवस मना रहे हैं। आप सबको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुभकामनाएँ देती हूँ। भारत प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा मनाते हैं। आई एम स्टडिंग इन 1st स्टैंडर्ड। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल एजुकेशन डे। योर एजुकेशन योर फ्यूचर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मध्याकोस। आई एम स्टडिंग इन 3rd स्टैंडर्ड। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल एजुकेशन डे। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज डैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। थैंक यू। माय नेम इज सदरीफा। आई एम स्टडिंग इन 2nd स्टैंडर्ड। माय स्कूल नेम इज फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल। लाइक ऑक्सीजन इज टू लिव, एजुकेशन इज टू सर्वाइव, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज साफिया। आई एम स्टडिंग इन 3rd स्टैंडर्ड। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल एजुकेशन डे। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज life itself. My name is Sayed Zishan. I am studying in 2nd standard. My school name is Fazliya English Medium School. Focus on education. My name is Muhammad Azim. I am studying 2nd standard. My school name is Fazliya English Medium School. Today we celebrate National Education Day. Better education equals a better nation. Thank you. My name is Muhammad Umar. I am studying in 2nd standard. My school name is Fazliya English Medium School. Happy National Education Day. This day is a reminder of Maulana Abul Kalam Azad's legacy and the value he placed on education as a tool for society development. Thank you. My name is Asya Siddiqa. I am studying in 2nd standard. My school name is Fazle Haq English Medium School. Every year on 11th November, we celebrate National Education Day to honor the legacy of Maulana Abul Kalam Azad, India's first education minister. Thank you. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ फजले हक स्कूल के मैनेजमेंट और उनके स्टाफ और उनके बच्चों को। उन्होंने आज नेशनल डे एजुकेशन मनाने के लिए जो मुहिम चालू किए हैं, इसलिए उनको उनकी गहरा मुबारकबाद भी देता हूँ। मैं आज फजले हक के सदर साहब की मैं तारीफ करूँ कम है, इसलिए कि स्कूल के इदारे से हटकर भी शहर के लिए वो बहुत से बढ़ चढ़ कर ये लोग काम करते हैं। राजा अकेडमी में काम करते हैं और बहुत से बच्चों को एजुकेशन देने में रवाना भी मदद करते हैं। मैं इनकी आज माइक पे इसलिए बात कर रहा कि उनकी वाहवाही के लिए इनका काम है, इनके लिए काम हम फोन से देने के बाद इनकी हम
बात ना करें तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। जी बहुत खुशी है कि हम पेरेंट्स को भी क्या है इस मौके पर क्या है बुलाया गया है आज एजुकेशन डे के मौके पर। फजले हक स्कूल की तरफ से जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है गरीब नवाज कॉलोनी में, उन्होंने हम पेरेंट्स को भी इनवाइट किया, तो हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मौलाना का और मैनेजमेंट का, जज़ाकिल्लाहु खैर। और एजुकेशन डे के टाइम पर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसका हक है एजुकेशन, तालीम हासिल करना। और हमारे दीन का मकसद भी यही है कि हमें इसलिए पैदा किया अल्लाह ताला ने ताकि हम इल्म हासिल करें और जो है दुनिया में आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने पहली वही भी इसी तौर पर उतारी थी कि इक़्रा, कि तुम क्या है पढ़ो और लिखो। और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यहाँ पर दीन और दुनिया अलग अलग नहीं बताए बल्कि दोनों चीज़ें हासिल करना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर बच्चे का ये हक़ है कि उसको क्या है दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाए। और मैं मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि फजले हक स्कूल ने बहुत कम टाइम में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की और बहुत अच्छे से क्या है मैनेज कर रहे हैं बच्चों को। और यहाँ पर तालीम भी बहुत अच्छी दी जाती है, इंग्लिश हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, बच्चे सब जो है हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ है। जज़ाकिल्लाहु खैर। गुड मॉर्निंग, आई द हेडमिस्ट्रेस ऑफ फजले हक इंग्लिश मीडियम स्कूल wanna extend to you the warm wishes of National Education Day on behalf of the management, teachers, non-teaching staff and the students. Every year on 11th November we celebrate that National Education Day in commemorate the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, the first education minister of independent India. Instead of celebrating in the cool shades of school premises, we brought this rally around this area where the people are rarely aware about the education. सभी वालदेन को इस बात की इतला देना चाह रहे हैं कि आपके घरों के नज़दीक हम तालीम लेकर आए हुए हैं ताकि बच्चे ईजीली, हर बच्चा तालीम हासिल कर सके और तालीम समझे, क्यों बिना तालीम के ना ही वो तरबियत पा सकता है, ना ही बच्चे के सही डेवलपमेंट हो सकती है, ना बच्चा फ्यूचर में कुछ कर सकता है। तालीम बहुत ज़रूरी है हर एतबार से, इसीलिए कहा गया है ना, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ इखरा से हुआ था आज हमारी कौम तालीम और तरक्की में बहुत पीछे है। हम हमारे बच्चों को तालीम दे के जो कि इस कौम का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर और बच्चों का फ्यूचर और इस कौम का फ्यूचर बना सकते हैं।